नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकबात और मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। और आपको इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता दें कि LJP के संस्थापक रामविलास पासवान अब नहीं रहे हैं। जी हां, हम आपको इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं कि LJP के संस्थापक रामविलास पासवान का निधन हो चुका है। उनका निधन दिल्ली के एम्स अस्पताल में हुआ है। आपको बता दें कि चिराग पासवान के पिता यानी कि रामविलास पासवान काफ़ी लंबे समय से बीमार चल रहे थे, जिसके बाद उनका दिल का ऑपरेशन हुआ था। और ऑपरेशन होने के कुछ ही दिनों के बाद आज उनका दिल्ली के एम्स अस्पताल में निधन हो गया है। साथ ही आपको बता दें कि इस बात की जानकारी खुद उनके बेटे चिराग पासवान ने दी है, जो कि इस वक्त मौजूदा LJP के अध्यक्ष हैं। और आपको ये भी बता दें कि रामविलास पासवान इस वक्त केंद्रीय मंत्री भी थे। जहां एक तरफ बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले थे, तो वहीं आज जो इतनी बड़ी खबर सामने आई है कि चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान का निधन हो गया है, जिसके बाद अब सियासी गलियारों में काफ़ी ज़्यादा खामोशी और दुख का माहौल बना हुआ है। रामविलास पासवान मौजूदा केंद्रीय मंत्री भी थे और उनका ऐसे में निधन हो जाना, जिस वक्त की बिहार में चुनाव होने वाले हैं, ये काफी ज्यादा चिंता का भी एक विषय है चिराग पासवान के लिए भी। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का निधन हो गया है। 74 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। इस बात की जानकारी उनके बेटे लोजपा के अध्यक्ष चिराग पासवान ने ट्वीट कर दी। आपको बता दें कि चिराग पासवान ने अपने ट्वीट में लिखा, पापा अब आप इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन मुझे पता है आप जहाँ भी हैं हमेशा मेरे साथ हैं। रामविलास पासवान लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उन्होंने राजनीति में एक लंबा समय बिताया है। रामविलास पासवान VP सिंह, HD देवेगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी, इन सभी प्रधानमंत्रियों के कैबिनेट में अपनी जगह बनाने वाले शायद एकमात्र व्यक्ति थे। राजनीति की नब्ज पकड़ने वाले रामविलास पासवान पहली बार 1969 में एक आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य के रूप में बिहार विधानसभा पहुंचे थे। 1974 में राज नारायण और JP के प्रबल अनुयायी के रूप में लोकदल के महासचिव बने थे। वे व्यक्तिगत रूप से राज नारायण, कर्पूरी ठाकुर और सत्येंद्र नारायण सिन्हा जैसे आपातकाल के प्रमुख नेताओं के करीबी रहे हैं। लगभग 5 दशक तक बिहार और देश की राजनीति में छाए रहे थे रामविलास पासवान। आपको बता दें कि 1946 में बिहार के खगड़िया में जन्मे रामविलास पासवान ने एक छोटे से इलाके से निकलकर दिल्ली की सत्ता तक का सफर अपने संघर्ष के बूते तय किया। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लगभग 5 दशक तक वो बिहार और देश की राजनीति में छाए रहे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री ने लालू प्रसाद यादव ने रामविलास पासवान को मौसम वैज्ञानिक का नाम दिया था। रामविलास पासवान हवा के रुख के साथ राजनीति के अपने फैसले बदलने में माहिर थे। इसमें वो कामयाब भी रहे। इसी का नतीजा रहा कि उन्होंने 6 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया। ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, इस कहावत को रामविलास पासवान ने चरितार्थ किया। वह बेहद सरल और मृदुभाषी थे। बिहार के हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से वह कई बार चुनाव जीते, लेकिन 2 बार उन्होंने सबसे अधिक वोट से जीतने का रिकॉर्ड बनाया। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए लोकबात के साथ। लोकबात, जनता की बात, जनता के साथ। धन्यवाद।